एमबीए पेपर लीक कांड मामले में कांग्रेस लगातार उच्च शिक्षा विभाग और डीवीपी को घेरने में लगी है, जहां बीते दिन कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता कर भाजपा को घेरने की कोशिश की, तो वहीं मंगलवार को एनएसयूआई के नेताओं ने आरएनटी मार स्थित डीवी परिसर में उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस के छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रजत पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई की मांग है कि दोषी कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए और कुलपति डॉक्टर रेणु जैन अपने पद से इस्तीफा दे दे। वहीं प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि जो छात्र संगठन के कुछ लोग उग्र हुए थे, जिन्हें पुलिस वैन में थाने ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार एक तरफ जहां कुलपति के खिलाफ छात्र संगठन के लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुलपति आरएनटी मार स्थित कार्यालय में मौजूद नहीं थी। वह तक्षशिला परिसर खंडवा रोड स्थित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। वह इस मामले में ज्यादा हंगामा कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने तांगा टोली करके गाड़ी में भरकर लेकर रवाना हो गई। अध्यक्ष आशुतोष चोकसे जी और शहर अध्यक्ष रजत पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर जो अच्छे बम का जो कॉलेज है, एमबीए का जो पेपर लीक हुआ था वो उनके कॉलेज से हुआ था और उनकी पूरी साजिश है उसमें, प्राचार्य उनको दोषी नहीं माना गया। वहीं पुलिस रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस जांच का इंतजार नहीं किया गया और शिक्षा आयुक्त ने आकर कुलपति जी ने और कार्य परिषद ने जो 5 लाख रुपए का दंड और कॉलेज आज उसी को लेकर कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर हमारे दोनों अध्यक्षों के नेतृत्व में एनएसआई रजत पटेल जी के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन किया, मगर पुलिस ने जबरदस्ती उनकी बात न सुनते हुए कुलपति को न बुलाते हुए और पुलिस ने जो है लाठी चार्ज करा और कार्यकर्ताओं को जो है धक्का दे के दुर्व्यवहार करके धक्का मुक्की हुई कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जो है गिरफ्तार करके। और जो विगत दिनों में एमबीए के पेपर जो दो लीक हुए थे उस पर जो एफआईआर पंजीबद्ध हुई और जो दोषी कॉलेज सामने आए उनकी मान्यता को रद्द करने के लिए यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौकसे जी और जो एनएसयूआई के यहाँ शहर के अध्यक्ष रजत पटेल भी उपस्थित थे, उनके द्वारा यहाँ पे उग्र प्रदर्शन किया गया, जिस पर से कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस थाने लेके गई। अब सारी स्थिति सामान्य है, उनके द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की कोशिश की गई जो कि पुलिस द्वारा उनको हिकमत अमली से अलग किया गया। छात्र संगठन भी आप पहुंचा था तो कोई जिम्मेदारी यहाँ पे थे कुलपति मैम रक्षा वगैरह कुछ? आज क्योंकि कुलपति महोदय का एक आयोजन दूसरे डीएवीवी के कैंपस में है, जिसमें माननीय सीएम महोदय मुख्य अतिथि हैं और बाहर से भी कुछ विदेश के भी प्रवक्ता आए हुए हैं, तो वो उस कैंपस में उनका कार्यक्रम कुछ चल रहा है, इस वजह से नहीं है। यहाँ पे उनके जो परीक्षक हैं खरे सर वो मौजूद थे और जिनके द्वारा मगर कोई ज्ञापन ना देते हुए केवल प्रदर्शन किया गया। तो क्या यहाँ पर मौके से कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, मौके से किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, 4-5 लोगों को जरूर जो ज्यादा उग्र बन रहे थे उनको थाने। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।